कपोल यूनिटी कप 2023 का शानदार आगाज मुंबई के कांदिवली केईएस मैदान में किया गया। दो दिवसीय इस कपोल यूनिटी कप में करीब 91 टीमों ने भाग लिया, जिसमें महिला टीम और पुरुषों की टीम सहित अंडर 16 की भी टीम शामिल रही। कपोल यूनिटी कप के फाइनल मैच में अंडर 16 की टीम में पंजाब बापू पंजारा पोल राजूला ने कपोल यूनिटी पर कब्जा जमाया। वहीं महिलाओं की टीम ने वीएन वॉरियर्स ने कपोल यूनिटी कप 2023 पर अपना कब्जा बनाए रखा, जबकि पुरुषों ने भी बाजी मारते हुए यूनिटी चैंपियंस ने कपोल यूनिटी कप 2023 पर अपना कब्जा जमाए रखा। दरअसल कपोल यूनिटी कप एक ऐसा कप जो समाज को एकजुट करने, जो समाज की एकता और युवाओं में अनेकता को दर्शाता है। ऐसे में कपोल यूनिटी कप 2019 के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में रहा। हालांकि इस बार भले ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नया हो, लेकिन जिस तरह से खेल भावना का परिचय यहां दिया गया वह अपने आप में एक साहसिक रहा। इस दौरान कई कपोल समाज के लोगों ने अपनी बात रखी और बताया कि कपोल समाज एक ऐसा समाज जो एकजुटता के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि कपोल समाज आज समाज में एक अपना अलग से वर्चस्व कायम रखा। क्या कुछ कहती हैं इस कपोल यूनिटी कप टूर्नामेंट की तस्वीरें वो आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन दर्शकों से भरा खचाखच यह स्टेडियम लगातार ऐतिहासिक रहा, और क्योंकि लगातार जिस तरह से युवाओं ने अपना खेल भावना का परिचय दिया वो अपने आप में एक गरिमा मन रहा है। खासकर महिलाओं की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। जय जय कपोल। यस,
ओके दुर्गेश भाई ना हस्ते जबरदस्त प्लेयर उर्वशी यहाँ जो प्लीज थोड़ा आगड़ा उर्वशी ओके थैंक यू कांग्रेचुलेशन जबरदस्त राकेश भाई मेहता ना हस्ते थैंक यू राकेश भाई टू बेस्ट करना यहाँ जो सर थोड़ू सेंटर में आओ पाछल वेट 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 हाँ फोड़ो 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 वेट ले यहाँ जो यहाँ कैमरा में जो सर यहाँ जो यहाँ जो एवरीवन लुक एट मी ओके यार यार परी 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 यार परी परी थैंक यू यार यहाँ हो ना दोनों गणपति बाप्पा यहाँ यहाँ जो यहाँ कैमरा कैमरा आओ भाई सर यहाँ जो प्लीज सर थैंक यू सॉरी एक तो पहले सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा एक काम में अटक गया था तो आने में लेट हो गया तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए हृदय से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा बात मैं बहुत लाइक करता हूँ कपोर सोशल ग्रुप जो ये लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स का तो मैं पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखा जिसमें कोई भी चेयरमैन या सेक्रेटरी या ऐसा कोई पद नहीं है सब इक्वल लेवल पे सब काम करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है कि जिसमें कपोल लोगों का उत्थान के लिए इन्होंने डेडिकेशन किया हुआ है ये छोड़ के भी और भी बहुत सारे काम ये लोग करते हैं लेकिन कहीं पे भी प्रचलित रूप से उनकी जाहिरात एडवर्टाइज या कोई एक आदमी को बड़ा करना ये सब नहीं है। ये बहुत ही जो मतलब रेरेस्ट होता है वो चीज़ ये लोग यहाँ पे करते हैं उसके लिए मैं भी हृदय से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच कपोल। पहले तो मेरा लोगो है कपोल के लिए। कपोल के जो यंग जनरेशन है छेला लास्ट 25 साल से कपोर स्पोर्ट्स ग्रुप के नेजा के नीचे क्रिकेट रम रहे खेल रहे और इस टाइम तो तीन साल बाद कपोल यूनिट कप स्टार्ट हुआ है और आज कम से कम दो दिन में 4 से 5 ईयर कपोल यंग जनरेशन खेलने को आया देखने को आया और इसके लिए सब क्रेडिट श्री शर्मा ग्रुप और कीर्ति भाई एसआर के ग्रुप और बहुत से लोग स्पॉन्सर लगे सब लोग ने हेल्प किया है तो नितिन भाई गुरड़िया पल्स वाले ने भी सपोर्ट दिया है तो सबके सपोर्ट से एक प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस मिला है। थैंक यू वेरी मच। वुमेन्स मैन और किड्स में क्रिकेट की प्रैक्टिस और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती है मगर ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म पूरी कम्युनिटी जो बड़ी है उसको पता चले कि यहाँ पे सीजन एक्टिविटीज़ भी होती है उसके लिए ये टेनिस बॉल से एक पॉपुलर जो फॉर्मेट है इजी है जिसमें किसी को डर नहीं लगता है और बहुत कन्वीनियंटली ऑलरेडी अपने बिल्डिंग में या एरिया में खेलते हैं वो उसका टूर्नामेंट रखा जाता है और यहाँ पे जो आज कुछ 920 जैसे प्लेयर्स आए खेलने को तो उनको हमारी जो रेगुलर सीजन एक्टिविटीज़ है सीजन बॉल से उसके बारे में काफ़ी सारा नॉलेज मिले इसलिए ये कप का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और वी आर सक्सेसफुल इन दिस इज हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स और हमको हर टाइम नया फीडबैक मिलता है न्यू जनरेशन को हमारी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है।